Hello everyone, welcome back to the channel. तो दोस्तों आज हम जाएंगे रीगा. जी हाँ, रीगा नाम तो सुना होगा ना. तो रीगा एक बस्ती है जो कि शायद सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है. सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है. इसका पासीघाट से अप्रोक्स 100 किलोमीटर है. इसके बाद बहुत दिन हो गया हिच हाइकिंग वीडियो ने बनाया ना, तो आज हिच हाइक करके पासीघाट से रीगा जाएगा. जी हाँ, तो अभी पासीघाट का लगभग सब्सक्राइबर हम अभी रीगा जा रहे हैं. सब्सक्राइबर था तो अभी यहाँ से गाड़ी रुकेगा. अगर कोई गाड़ी मिलता है कोई मुझे वहाँ तक पहुँचा देने से, ठीक है. तो चलिए कैसा होता है आपका जर्नी, शुरू करते हैं अपना जर्नी. कहाँ जाएगा? मैं घर जा रहा हूँ. आगे तरफ ड्रॉप करेगा? कहाँ का? सामने में क्या प्रोग्राम? हाँ, बच्चा से काम है. थैंक यू. अभी का जो है अपना घर ही जा रहा था, सामने में बोल रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया. दूसरा गाड़ी का इंतजार करेगा. आजम को है काजीरून. हाँ, थैंक यू. नलू कलर इंदा अम्पंग ओ है ना है आइए रहा मतलब. हाँ, थैंक यू. सब्सक्राइबर है माया है. थैंक यू. ये भी अपना घर जा रहे हैं, अपना सब्सक्राइबर है. लेकिन वो भी अपना घर जा रहे हैं इसलिए उसको भी छोड़ दिया. तो आज का दिन दो सब्सक्राइबर देखे अपना, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैं अपना सब्सक्राइबर को देख के ना. तो इंतजार करेगा वापस. आपका मैं एक बात बता देगा, अगर आप भी चेकिंग करते हैं तो आप ज़रा गाड़ी को डिफेंड मत कीजिए. तो थोड़ा पैदल भी आपको चढ़ना पड़ेगा, इसके बाद गाड़ी का भी समय समय में इंतजार कीजिएगा. हेलो दो आइए जम कोई बरा दो ओ हो आ हर मुला आई रंग. कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? रिंगिंग पूरा पहुँचा रहा ना आगे तक. कहाँ बैठेगा? थैंक यू. कहाँ तक जाएगा? थैंक यू. आज चली दिया ले रही है. हम बोलंग जाएगा. सपने में है. उधर से गाड़ी मिलेगा. वो आप कहाँ तक जाएगा? आप इधर बड़ा सिरकी का आगे जाएगा. सिरकी का आगे होगा. तो अभी जैसे भी मिला है सिरकी तक जा रहा है, वो तक मुझे ड्रॉप कर देगा. यूट्यूबर होगा तब तो है दोस्त. ठीक है, थैंक यू. आई मिलते हैं फिर. बाय अमर. आई थैंक यू. बाय. इसको कैसे खुलता है? खुलो. होगा. थैंक यू. आई थैंक यू. पास टाइम जैसी भी मैं आई सेफर है. होगा तब तो है. थैंक यू. ओके फ्रेंड्स, तो अभी जेसीबी वाला ने मुझे आधा रास्ते तक पहुंचा दिया. इसका वो लोग कह रहा था कि और एक पीछे में जेसीबी आ रहे ना, तो वो लोग कह रहा था कि जो दूसरा जेसीबी है वो मुझे आगे रिंगिन तक वहाँ तक ड्रॉप कर देगा बोल के. तो अभी थोड़ा पैदल जाते रहेगा. इसके बाद जेसीबी में पास टाइम आज ट्रेवल किया है. बहुत स्लो था गाड़ी लेकिन हो जाता है जुगाड़. तो अभी आगे का देखते हैं. पांगंग 57 किलोमीटर, रोटुंग 31 किलोमीटर. तो आगे हमको आगे पांगंग जाना है जो कि अभी लगभग 57 किलोमीटर है. तो जरा हम दूर नहीं आए पासीघाट से अभी तक. अब देख लीजिए पीछे तरफ लिखा है. पासीघाट जो है ऐसे 16 किलोमीटर है और रानाघाट 10 किलोमीटर. तो 16 किलोमीटर ही अभी तक चला है. तो अभी पहले पांगंग जाना है,
फिर पांगंग से बोलंग शायद इसका बोलंग के बाद रीगा अंदाको हाय ग्रीन ग्रीन काय आयरन थैंक यू कलक बाबू हेलो ओ थैंक यू बाबू काय काय तो गाइस अभी लिप मिल चुका है इसके बाद अंकल है थैंक यू अंकल अंकल और भैया आलो जा रहे हैं आलो से ना तो आलो तक जा रहे हैं इसके बाद आलो का आलो जाने से पहले हमको दो रास्ता मिलेगा एक है बोलंग जाने का रास्ता और दूसरा है आलो जाने का रास्ता तो वहाँ पे मुझे रुका देगा तो दिल से थैंक यू अंकल आई रंग आई थैंक यू आप गलो है रामो है रामो 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 हां मैं चुका का थैंक यू ओके ओके थैंक यू हां अच्छा से बहुत मदद किया आप लोग देखते से जाइए ना हाँ आप लोग मैं चुका तो ना हाँ होगा अच्छा सही ओके तो ये है आलो में चुका जाने का रास्ता वो है बोलंग जाने का रास्ता और ये पासीघाट अभी यहाँ से आए तो ये पासीघाट जाने का रास्ता होगा तब तई आई पाई हाँ ओके थैंक यू हाँ हाँ आई होगा वो गाड़ी जाएगा आई अच्छा सही ओग्री हाँ होगा 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 थैंक यू आई मलिक कहाँ जा रहे बोलेंग बोलेंग जा रहे क्या अंकल हाँ होगा तब तो हेलो तो जैसे भी अभी एक गाड़ी मिल गया बोलेंग जा रहे थैंक यू कितना दूर होगा रे असल बीस किलोमीटर तो अभी बोलेंगे यहाँ से 20 किलोमीटर है ओ होगा थैंक यू अब होगा अंकल जी थैंक यू तो गाइस अभी बोलंग पहुंच चुका है यहाँ का जर्नी हम पासीघाट से 10:30 को शुरू किया था 10:30 इसके बाद लगभग अभी 2:45 हो चुका है इसके बाद अभी बोलंग का एक होटल में सुबह से नाश्ता नहीं किया था तो अभी थोड़ा सा लंच कर रहे हैं इसका लंच में मैंने लिया है परोता तो अभी थोड़ा काल लेगा इसके बाद समय तो अभी तक है रहेगा पहुँचने के लिए लेकिन थोड़ा जल्दी करेगा क्योंकि ही चेकिंग करते समय ये सब का ध्यान रखना चाहिए ना अगर गाड़ी नहीं मिले तो रात हो जाएगा अंधेरा हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी काफ़ी के वापस ही चेकिंग शुरू करेंगे सर मनाने आई आई पाई तो रोस्तों अभी लंच हो चुका है इसके बाद मैंने पहले बता दिया था कि ये जगह बोलंग है सॉरी बोलंग तो अभी यहाँ से रीगा एक्चुअल कितना किलोमीटर है वो हमको मालूम नहीं है यहाँ का जो लोग है वो लोग को भी अंदाज नहीं बोल रहे तो एक्चुअली अभी मुझे जर्नी कर करके बहुत थक गया अभी सुबह से जर्नी कर रहे तो बहुत थक गया अभी लेकिन जर्नी अभी तक ख़त्म नहीं है करना पड़ेगा रीगा कितना बजे पहुँचते हैं देखते हैं पीछे में एक तरह के शायद वो जाएगा कि नहीं जाएगा रुक के रह गए थोड़ा खुल सकते है आप कहाँ जाएगा हाजी सिमांग तरह रास्ता तो हमको भी छोड़ दीजिए ना
अभी घड़ी मिल चुका है जो कि भैया जी मुझे अभी आधा रास्ता तक पहुंचा देगा। जा अब कहाँ जा रहे बोला है? सिमांग, सिमांग जा रहे हैं भैया जी, तो सामने में ही है, वहाँ तक मुझे ड्रॉप कर देगा, फिर वहाँ से दूसरा गाड़ी रीगा के लिए पकड़ूँगा। होगा तब तो भैया, चलो थैंक यू। आई होगा आई भैया जी भी चला गया, अभी हम शॉर्टकट पकड़ रहे रास्ता। ये है रोड, इसके स्टेप है, यहाँ से ऊपर में आपको रास्ता मिल जाएगा वापस, शॉर्टकट है। तो अभी ये चराई लुक उतेगा, और अभी तक का जो रास्ता मैंने देखा है, बोलंग पहुँचने से पहले रास्ता बहुत अच्छा था, हाईवे था पासीघाट से लेके, बहुत हाईवे था, लेकिन बोलंग का आसपास रास्ता अभी तक बना रहे, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाईवे बना रहे। तो अगर आप आना चाहते हो तो वही याद रखिएगा कि रास्ता अभी तक बना रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन चल जाएगा। इन अभी ख़राब रास्ता नहीं है ना, थोड़ा सा जर्किंग होता है, और अभी थक गया। यहाँ में भी बस्ती है, कौन सा बस्ती मालूम नहीं, लेकिन बोलंग के आसपास है। ये सामने में केत है, और रास्ता कहाँ है मालूम नहीं, चलते चलते वो शायद वहाँ पर ही है। कम नहीं आई अरे। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी एक भैया मिला है जो कि रीगा ही जा रहा है, जहाँ हम भी जाना है। तो भैया थैंक यू सो मच। तो भैया का सर अभी रीगा जाएगा, तो यस फाइनली लिंक मिल गया, सो सी यू रीगा में मिलते हैं। तो गाइस अभी 65 में पहुंच चुका है, ये जगह का नाम 65 है, ऐसा क्यों मालूम नहीं। ये शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग गेकू जाने का रास्ता है, इसके बाद से हम और भैया आए पासीघाट का, फिर उस तरफ से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका ये ब्रिज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी के लिए ऐसे काम चला रहे हैं। अब देखिए नदी कितना सुंदर है, वाह देख रहे एकदम कितना फ्रेश है, देख लीजिए नदी ये रखिए। उप्स यहाँ में थोड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा है, अब देख लीजिए कितना सुंदर है। हमको ये ऊपर का ब्रिज में जाके देखने दिलते हैं, जा सकते लेकिन वो तक चुका है, वहाँ पे रास्ता बनाए हैं अभी तक। इसका जो भैया है वो अभी होटल में है, ये 65 में आपको होटल मिल जाएगा, वहाँ में थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं वो। इसके बाद मैंने आपको एक बात बताना, ये गलत बताया है, रीगा जो है पासीघाट से 100 किलोमीटर नहीं है, 160 अप्रॉक्स ना, अप्रॉक्स 160 किलोमीटर का है। तो अभी तक नहीं पहुँचा है, बहुत थक गया, तो भैया के पास वापस जाएंगे, इसका जाएंगे रीगा। हेलो बाय बाय टाटा। Ready?